So, let's read this question. The question says, what were Jacobin clubs? How did their activities and campaigns help to spread the idea of nationalism abroad? Explain. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जैकोबिन क्लब्स जो नाम दिया गया है ये थे कौन, और इनकी जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स थी उनसे कैसे मदद मिली नेशनलिज्म का आइडिया एब्रॉड में स्प्रेड करने के लिए, कि फैल सके नेशनलिज्म का आइडिया, ये कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन करें। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैकोबिन्स, कि जैकोबिन्स थे कौन। लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरीज थे जिनका एम था कि फ्रांस में जो किंग थे, किंग लुइस XVI, उनके रेन को, उनके राज को एंड करना है और उसकी जगह लेकर आना है फ्रेंच में एक रिपब्लिक। अब जेकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आफ्टरमैथ में इसकी एग्जिस्टेंस होती है, और उसकी जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स थे इसने हेल्प की टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले तो फ्रांस के लोगों के बीच इसने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा की, उन लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी दी इसने इसके क्लब के मेंबर्स ने। सेकेंडली, जो क्लब मेंबर्स थे, जेकोबिन क्लब मेंबर्स थे, वो बहुत एम्फेसिस डालते थे इक्वल राइट्स पे सब लोगों के लिए। तो दिस गेव राइज टू द सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ इक्वालिटी अमंग पीपल। थर्डली, इनकी जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स थे उन्होंने रास्ता बनाया फ्रेंच आर्मीज के लिए मूव इन करने के लिए होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बाकी बचे हुए हिस्सों में काफी ज्यादा इन 1790s। So the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.